और अब बात करते हैं बिहार में नीट में सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक की। अब पेपर लीक के मामले में बिहार पुलिस की जांच में संजीव सिंह उर्फ मुखिया का नाम सामने आया है। पुलिस के मुताबिक उसका नीट परीक्षा के अलावा सिपाही भर्ती और शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी नाम सामने आया था। बिहार के नालंदा के रहने वाले संजीव का देश भर में नेटवर्क है और कहीं भी पेपर लीक हो उससे संजीव का कनेक्शन जरूर मिलता है। संजीव उर्फ मुखिया को पहली बार 2016 में उत्तराखंड पुलिस ने अरेस्ट किया था जब उसने नीट का पेपर लीक करने की कोशिश की थी। उसके बाद वो जमानत पर बाहर आया और फिर पुलिस उसके कभी पकड़ नहीं पाई। अब पुलिस के मुताबिक संजीव का डॉक्टर बेटा शिव कुमार भी पेपर लीक गैंग में शामिल है। उसके पास ऐसे एक्सपर्ट हैं जो पेपर के बॉक्स बिना सील तोड़े खोल सकते हैं। शिव कुमार अभी पुलिस की गिरफ्त में है और कई आशंका जताई जा रही है कि जो नीट की परीक्षा में पेपर लीक हुए हैं उसमें भी इस शख्स का हाथ हो सकता है। संजीव कुमार, जिसे कहा जाता है कि पेपर लीक का यह मास्टर माइंड है, हमारे साथ पटना से नीतीश चंद्र जुड़ गए हैं। नीतीश, संजीव कुमार, इसके बारे में फिलहाल क्या जानकारी है और किस तरह से ये नीट की परीक्षा के पेपर लीक मामले से भी जुड़ रहा है? देखिए, संजीव मुखिया की तलाश है पुलिस को और उसके जो कई गैंग के लोग हैं वो इसमें शामिल रहे हैं। नीतीश जो है वो शिक्षक भर्ती परीक्षा में हजारीबाग से एक कैंडिडेट के तौर पर वो उसकी पत्नी शामिल हुई थी, जेल गया, बाहर आया और फिर उस गैंग में शामिल हो गया। तो संजीव मुखिया का एक बड़ा गैंग है, रॉकी नाम के लोग उसमें हैं, कई अलग अलग लोग हैं और पुलिस को उनकी तलाश है। नालंदा का रहने वाला है, उसकी पत्नी पहले जेडीयू में थी, फिर एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ी। तो संजीव का रसूख काफ़ी अधिक है और इस मामले में भी जो लोग अभी तक पकड़े गए हैं उनसे जो पूछताछ हुई है उसमें इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि संजीव मुखिया ही जो है वो इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड है। लेकिन फिलहाल आज जो बिहार में पटना में जो सबकी नज़र जिस बात पर है वो है आर्थिक अपराध इकाई के दफ्तर पर, जहां मैं मौजूद हूं, क्योंकि 18 और 19 जून ये दो तारीखें दी गई हैं उन छात्रों को जिनको नोटिस भेजा था ईओयू ने, ये जानने के लिए कि आखिर आपका एडमिट कार्ड सेटर के पास कैसे मिला, उन माफियाओं के पास कैसे पहुंचा हुआ था। और इसी सिलसिले में करीब एक दर्जन ऐसे छात्र जिनके एडमिट कार्ड मिले थे ईओयू को जांच के दौरान, उनके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए पहले एनटीए को भेजा गया कि आप इन छात्रों के बारे में जानकारी दें, फिर एनटीए से जानकारी आ गई और उनको नोटिस भेजा गया। और नोटिस भेजने के बाद 18 और 19 यानी आज और कल दो दिन की तारीख तय की गई है और इसी दो दिन उन छात्रों से पूछताछ होनी है। अब देखना ये है कि ये छात्र यहाँ आते हैं या नहीं आते हैं। मैं ईओयू दफ्तर में मौजूद हूँ पटना में और यहाँ पर आप देखिए जो तमाम अधिकारी हैं वो पहुँच चुके हैं। ये जो आपको गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं ये आर्थिक अपराध इकाई के कैंपस में, यहाँ पर तमाम अधिकारी यहाँ पहुँच चुके हैं। अब इंतज़ार इस बात का कि आखिर जो छात्र हैं जिनको नोटिस दिया गया है उन वो अपने अभिभावक के साथ यहाँ पर आते हैं या नहीं आते हैं। उनके लिए एक क्वेश्चनार तैयार कर लिया है यू के अधिकारियों ने कि उनसे क्या पूछा जाएगा, किस सिलसिले में जानकारी मांगी जाएगी। जानकारी दरअसल ये चाहती है एयू कि क्या इन छात्रों को भी जो क्वेश्चन है वो पहुँच गया था या नहीं पहुँचा था, आखिर उनका एडमिट कार्ड वहाँ कैसे पहुँचा था। जी, तो जैसा कि बता रहे हैं नीतीश की, जिन छात्रों के एडमिट कार्ड पहुंच गए थे वहां पर जो माफिया है, जो पेपर लीक माफिया है, आखिरकार कैसे उनके पास पहुंचा ये। और दूसरी बात है कि नीट पेपर लीक के मामले में बिहार में जो गिरफ्तार चार छात्र हैं उनके मार्कशीट सामने आए हैं। इन छात्रों के नाम है आयुष, अनुराग, अभिषेक और शिवनंदन, जिन्हें पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया था। और परीक्षा के दिन पुलिस ने चार छात्रों को पकड़ा था जिनमें रांची के रहने वाले अभिषेक, गया के शिवनंदन, समस्तीपुर के अनुराग यादव और दानापुर के आयुष शामिल हैं। मार्कशीट देखकर समझा जा सकता है कि जिस विषय का पेपर छात्रों को मिला उनमें अच्छे मार्क्स आए, बाकी में काफी खराब मार्क्स इन्होंने पाए हैं। इन छात्रों को प्रश्न देखकर उत्तर रटवाए गए थे। तो ये बड़ा खुलासा इस वक्त हो रहा है कि चार जो छात्र थे जिनके एडमिट कार्ड मिले हैं, जिन्हें पुलिस ने पकड़ा था, उनके मार्कशीट के सामने आने के बाद क्लियर हो जाता है कि जो विषय, जिस विषय के पेपर उनको पहले से मिल गए थे उस विषय में उन्होंने ज्यादा स्कोर किया है। बाकी जो सब्जेक्ट में उनके जो मार्क्स हैं वो उस अनुपात में नहीं है जिसके जरिए कहा जा सके कि वो एक अच्छे स्टूडेंट है और हर विषय में उन्होंने अच्छा मार्क्स गेन किया है, सिर्फ एक विषय में अच्छा मार्क्स है। नीतीश, ये जो मार्कशीट अब सामने आ गई है इससे काफी कुछ क्लियर हो जाता है, वाकई में इनको पेपर मिले थे जिसकी वजह से एक सब्जेक्ट में बेहतरीन मार्क्स कर रहे हैं, बेहतरीन परफॉर्मेंस है और बाकी सब में बिल्कुल सामान्य, भी कहते हैं ना एवरेज।
जी हाँ बिल्कुल, और यही इस बात की ओर इशारा करता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है। देखिए सुबह 9 बजे के आसपास माना जाता है कि इनको प्रश्न पत्र मिला, दोपहर 2 बजे से परीक्षा थी, बहुत ज़्यादा समय नहीं मिला। संभव है कि सिर्फ एक विषय का प्रश्न पत्र ही उत्तर उनको उपलब्ध हो पाया हो, और यही कारण है कि आप रिजल्ट देखेंगे तो 2 विषयों में बहुत कम नंबर हैं लेकिन एक विषय में उसी छात्र को बहुत ज़्यादा है। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, यदि वो छात्र पढ़ने वाला है तो बाकी विषयों में भी उसके मार्क्स में इतना अंतर नहीं होगा, तो ये साफ तौर पर बता रहा है। आप चारों के रिजल्ट को देखिए तो उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि बहुत अच्छे मार्क्स नहीं हैं और इस आधार पर उनको कहीं एडमिशन भी नहीं होगा, लेकिन किसी एक विषय में 15 नंबर आना और दूसरे विषय में 85 नंबर आना ये बताता है कि उस विषय में संभव है, ये एक हम अनुमान ही जाहिर कर सकते हैं कि संभव है कि सिर्फ एक विषय का प्रश्न पत्र उत्तर उसको उपलब्ध हो सका या फिर एक विषय के लिए ही उसको समय मिल सका। तो अब पुलिस ईओयू इस पूरे पहलू को देखेगी, उन छात्रों से अभी पूछताछ हुई भी है चूंकि जेल में है, उनसे रिमांड पर लेकर पूछताछ हुई भी है, फिर से उनको रिमांड पर लिया जाएगा और पूछा जाएगा कि आखिर ये सब कैसे हुआ।